सांपों की दुनिया बड़ी ही रहस्यमयी है। इनके नियम और कानून हमारी समझ से परे हैं, लेकिन इनके बारे में जो बात कही जाती है वो भी बहुत ही अजीब है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गर्भवती महिला और सांपों के बीच के अजीब कनेक्शन के बारे में। कहा जाता है कि अगर कोई सांप किसी गर्भवती महिला को देख लेता है तो वो अंधा हो जाता है। सांप कभी किसी गर्भवती महिला को नहीं काटता। तब सवाल ये उठता है कि आखिर सांप को कैसे पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती है। गर्भवती महिलाओं के विषय में कहा जाता है कि उन्हें कभी कोई सांप नहीं काटता, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के शरीर से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते रहते हैं जिनकी वजह से उनके नजदीक आते ही सांप को ये पता चल जाता है कि यह महिला गर्भवती है। महिला के शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स की गंध से सांप समझ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सांपों को कुछ ऐसी विशेष शक्ति मिली हुई है जिससे वो महिला के नजदीक आते ही ये समझ जाते हैं कि ये महिला गर्भवती है या नहीं, फिर उसे सांप नहीं काटता। हालांकि इस बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि गर्भवती महिलाओं को भी सांप ने काटा है। ये और बात है कि इनको जितने भी सांप ने काटा था उनमें से कोई भी जहरीला नहीं था, इसीलिए सांप के काटने से किसी गर्भवती महिला की मौत नहीं हुई है। और ऐसी ही एक बात और लोगों में फैली हुई है कि अगर सांप किसी गर्भवती महिला को देख लेता है इसके बाद उसकी आंखें खराब हो जाती हैं और वो अंधा हो जाता है। ये मामला बिहार के अररिया जिले का है, जहां लोगों को ये बात पता चली कि फूलो देवी नाम की एक महिला जहरीले सांप की पूजा कर रही है, लेकिन सांप ने उसे बिल्कुल भी नहीं डसा। ये महिला बकायदा सांप को नहलाती है, सांप को दूध पिलाती है, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखती है, उसकी पूरी केयर करती है, उसकी पूजा करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांप महिला को काटने की बजाय शांत रहता है। ये घटना शुरू हुई थी नवरात्रि के समय। इस महिला का कहना है कि नवरात्रि के एक दिन पहले उसे एक सपना आया और देवी माँ ने उसके सपने में आकर बोला कि तुम्हें इस बार एक जहरीले सांप की पूजा करनी है। अगले दिन जब वो अपने खेत में गई तो वहाँ उसे एक जहरीला सांप मिला। सांप को देखकर उसे स्वप्न वाली बात याद आ गई और उसे लगा कि शायद देवी माँ ने उसे इसी सांप की पूजा करने का आदेश दिया है, जिसे वो पकड़ कर ले आई और तब से लेकर अब तक वो उसकी पूजा कर रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में ही लगातार वो सांप की पूजा करती रही। जैसे ही लोगों को ये सारी बात पता लगी, लोग इनके घर आने लगे। वो ऐसे सांप के दर्शन करते और अपने आप को धन्य समझते थे। आज ये पूरे जिले में फेमस हो गई हैं। ये है मुंगेर की रहने वाली मीना, जिनका दावा है कि उन्होंने 3 सांप के बच्चों को जन्म दिया है। बात हैरानी की जरूर है और मीना के गाँव वाले भी इस बात को सुनकर हैरान हुए। महिला का दावा जितना अजीब है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब महिला 3री बार गर्भ से थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी सिचुएशन का अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन गर्भ थैली जरूर नजर आ रही है। आश्चर्यजनक रूप से उनका पेट बढ़ता चला गया। आपको बताया नहीं कि मीना के पहले से ही 2 बच्चे हैं और ये घटनाक्रम उसके साथ 3रे बच्चे के समय हुआ। उसका कहना था कि जब भी वो कुछ खाती थी तो उसे बहुत जलन होती थी, लेकिन दूध पीने के बाद जलन शांत हो जाती थी। धीरे धीरे कुछ ऐसे ही समय बीतता चला गया। कुछ महीनों बाद मीना को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जब वो बाथरूम के लिए गई तो उसे महसूस हुआ कि शायद उसने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन उसे बाथरूम में कुछ नजर नहीं आया, ना ही वहाँ कोई बच्चा था। अगले दिन उसे अपने घर में 3 सांप के बच्चे घूमते हुए नजर आए। उसने सांप के इन 3 बच्चों को अपने घर में पाल लिया। मीना का दावा है कि उसने अपने गर्भ से इन्हीं सांप के 3 बच्चों को जन्म दिया है। हालांकि फिलहाल इन 3 में से 2 सांप के बच्चों की मौत हो चुकी है। सांप का 3रा बच्चा अभी जिंदा है, जिसे वो अपने बेटे की तरह पाल रही है। मीना के गांव वालों को पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि मीना जब भी बुलाती है तो सांप के बच्चे उसके पास दौड़े चले आते हैं। जब वो उन्हें दूध पिलाती है तो दूध पी लेते हैं। मीना के बुलाने पर सांप किसी बच्चे की तरह उसकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि शायद मीना सच बोल रही है और उसने ही सांप के इन बच्चों को जन्म दिया है। वैसे आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की कोई भी घटना संभव नहीं है। कोई महिला किसी सांप के बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकती। सांप से लगाव का हो जाना अलग बात है, लेकिन किसी महिला के लिए उसकी बायोलॉजिकल मदर होना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को एक बार सांप काट ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। सांप के काटने की दहशत ही उसकी हालत बिगाड़ देती है। फिर भले ही सांप जहरीला ना हो, लेकिन फिर भी हाय तौबा मच जाती है।
ज्यादातर लोग तो सांप को देखते ही दूर भाग जाते हैं। वैसे तो ये बात हर जंगली जानवर के बारे में कही जाती है कि कोई भी जंगली जानवर या सांप किसी भी व्यक्ति पर बिना कारण हमला नहीं करता जब तक उसे जान का खतरा महसूस न हो या फिर उसे भूख न लगी हो, वो तब तक शांत रहता है। लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि सामने वाले से उसको अपनी जान का खतरा है, वो अटैकिंग मोड में आ जाता है और हमला कर देता है। लेकिन सांपों का व्यवहार और खास तौर से जहरीले सांपों के नेचर के बारे में हम कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये कब क्या करेंगे इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। अब तक आपने देखा कि इन दोनों महिलाओं को सांप ने नहीं काटा। महिला जिस जहरीले सांप की पूजा करती है वो उसके साथ बहुत ही शांत होकर रहता है। लेकिन शिमला के सोलन में रहने वाली एक महिला ऐसी भी है जिसे सांप ने एक दो बार नहीं बल्कि 300 बार काटा है, मगर महिला आज भी जिंदा है। विमला देवी की उम्र 48 साल है, एक बार फिर हॉस्पिटल में है क्योंकि उन्हें सांप ने काट लिया है। विमला देवी को जिस सांप ने काटा है वो कोई ऐसा वैसा सांप नहीं बल्कि जहरीला सांप है। नॉर्मली अगर सांप किसी को काट लेता है तो उसके शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, सांप के काटे वाली जगह से खून बहने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विमला देवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनका कहना है कि जब भी वो किचन में काम कर रही होती हैं या फिर सो रही होती हैं, तब एक सांप आता है और उनके बाएं पैर पर काट कर चला जाता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं और 3-4 दिन बाद जब उन्हें होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती हैं। विमला देवी को जिस जगह पर सांप ने काटा है उस जगह पर बहुत सारे निशान पड़ गए हैं, वो जगह काली हो गई है और कभी कभार विमला देवी को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। विमला देवी की इस हालत को देखकर सबसे ज्यादा हैरानी डॉक्टर्स को होती है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कोई महिला 300 बार सांप के काटे जाने के बाद भी बची रहती है। वो उनके पूरे शरीर का डायग्नोसिस करके देख चुके हैं मगर उन्हें उसमें कुछ भी जानने लायक नहीं मिला। सच में विमला देवी के साथ जो हो रहा है वो एक चमत्कार ही है। इस मामले में जब साधु संतों से भी पूछा गया तो उनका कहना था कि विमला देवी के शायद पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है। कुछ साधु संतों का ये भी कहना था कि विमला देवी पर राहु की दशा चल रही है। इस वजह से उन्हें ये परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तमाम कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस विषय पर विज्ञान मौन है। वो भी नहीं समझ पा रहा है कि इस घटना के पीछे का क्या रहस्य है। मगर ये तो सिर्फ चंद घटनाएं हैं, ऐसे सवाल और भी हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। ऐसे बहुत से रहस्य हमारे सामने उपस्थित हैं जिनकी जानकारी निकाल पाना विज्ञान के लिए भी मुश्किल है। क्या आपके आसपास भी कभी कोई ऐसी अतरंगी घटना घटी है? अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।